नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी में और आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिंस समान होती हैं, एक जैसी होती हैं, बस होम्योपैथी में उसे लेने का तरीका अलग होता है। और आज मैं एक ऐसी ही मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो कि आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और आपके घर में भी हर दिन यूज़ होती है और होम्योपैथी में भी इसका उपयोग होता है बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कुरकुमा लौंगा के बारे में जानकारी दूंगा, हल्दी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन कुरकुमा लौंगा, जिसे हम इंग्लिश में टर्मरिक बोलते हैं, हिंदी में हल्दी बोलते हैं, दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी औषधि है और हमारे खाने में, इंडियन खाने में, तो ये हर खाने में, हर सब्जी में यूज़ की जाती है। ये इसलिए यूज़ की जाती है कि ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और इसके बहुत अलग अलग तरह के उपयोग हैं, मेडिसिनल उपयोग हैं। इसको हम बहुत अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कुरकुमा लौंगा के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एक्शन बताऊंगा कि हमारे शरीर पर असर कहां पर करती है और क्या करती है। उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा कि क्या क्या लक्षण होंगे, तब आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कुरकुमा लौंगा लेना चाहिए। और लास्ट में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी बीमारी में ये मेडिसिन ले सकते हैं और किस पोटेंसी में कैसे आप इसे यूज़ करें। तो आखिरी तक ये वीडियो देखिएगा और आखिरी तक देखते देखते आपको बहुत बढ़िया नॉलेज मिलेगी हल्दी के बारे में, जिसे आप हर दिन उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक्शन कि ये हमारे शरीर पर करती क्या है। तो सबसे पहले ये बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, मतलब हमारे शरीर में कहीं पर भी सूजन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इन्फ्लामेशन और सूजन को ठीक कर देती है। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, कभी हमें लग जाता है और वहाँ पर सूज जाता है तो हम हल्दी लगा लेते हैं, हल्दी लगाने के बाद वो ठीक हो जाता है। या घाव है, घाव में सूजन है, हम हल्दी लगा लेते हैं, हल्दी लगाने के बाद वो घाव ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, ये बहुत ही अच्छी एंटी फंगल मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी एंटी बैक्टीरियल मतलब कीटाणु और जीवाणु को मारती है, ये एंटी पैरासाइट है, एंटी एलर्जिक है और ब्लड टॉनिक, एंटी ट्यूमर है, अगर ट्यूमर होता है उसे ठीक करने में बहुत मदद करती है। इसे लेने से आपको ट्यूमर वगैरह की समस्या नहीं होती है। ये एंटी डिप्रेशन भी है, साथ ही साथ ये एंटी ऑक्सीडेंट भी है और ये हेप्टो प्रोटेक्टर है, मतलब लीवर को प्रोटेक्ट करती है, ये नेफ्रो प्रोटेक्टर है, हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करती है, ये न्यूरो प्रोटेक्टर है, हमारे दिमाग के नसों को ये प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों एक्शन से जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि टर्मरिक कुरकुमा लौंगा हमारे पूरे शरीर को सही करती है, प्रोटेक्ट करती है और हमारे हर सिस्टम को इम्प्रूव करती है। दोस्तों अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण की तरफ। इसके साइन एंड सिम्टम्स बहुत थोड़े से हैं लेकिन इंडिकेशन और डिसीज एंड डोजेस बहुत ज़्यादा है। साइन एंड सिम्टम्स बहुत थोड़े से हैं, जैसे कि पेट की अगर आपको तकलीफ बनी रहती है, आपको गैस बार बार बनती रहती है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कुरकुमा लौंगा। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और चेहरे पर काले धब्बे हैं, दाग है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कुरकुमा लौंगा। और मैं कुरकुमा लौंगा खासकर सब म्यूकोसा फाइब्रोसिस में ज़रूर यूज़ करता हूँ। तो अगर मुंह आपका नहीं खुलता कुरकुमा लौंगा से आपको ला करेंगे तो धीरे धीरे मुंह खुलने लगेगा, गुटखा खाने के कारण अगर मुंह बंद हो गया है तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और साथ ही साथ अगर आप हमेशा चिंतित रहते हैं, चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन है आपको, तो ज़रूर कुरकुमा लौंगा लेना चाहिए। अब चलते हैं इसके इंडिकेशन और डिसीजेस की तरफ कि कौन कौन सी बीमारियों से ये हमें बचाएगी और कैसे हम इसे यूज़ करें। ये कैंसर प्रिवेंशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसीलिए बोला जाता है कि हल्दी खाने से कैंसर कम होता है, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। आप एड्स की कंडीशन में भी, एड्स के पेशेंट को भी कुरकुमा लौंगा दे सकते हैं, इससे उनकी कंडीशन इम्प्रूव होती है और उनकी प्रॉब्लम्स
कम होती हैं। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्यूमर वगैरह, जैसे कि अगर फाइब्रॉइड है या लाइपोमा है या फाइब्रोमा है, तो आप ट्यूमर की कंडीशन में इसे देंगे या शुरुआत से अगर आप ले रहे हैं एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन तो आपको ट्यूमर नहीं होगा, और ट्यूमर में अगर आप देते हैं तो धीरे धीरे ट्यूमर ठीक हो जाता है। लेकिन साथ में आपको कुछ और मेडिसिन जैसे कि थूजा और डिसीज से रिलेटेड और मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। सिर्फ क्रोकोमा लौंगा देने से पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, तो कुछ और मेडिसिन इसके साथ ज़रूर चलाइएगा। ये आई डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। खासकर मैं बता दूँ, इसका मैं उपयोग ग्लूकोमा में कर चुका हूँ। ग्लूकोमा में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और आई फ्लोटर में भी इसके रिजल्ट्स मिले। साथ ही साथ ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब लगभग मान लीजिए कि 50% जो डिसीजेज होती हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत आम सी बीमारी, बहुत खास सी बीमारी, सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण होती है। आपके मम्मी पापा को या उनके मम्मी पापा को प्रॉब्लम हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आपको बीमारी हो जाती है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स और ऑटोइम्यून डिसीजेस के लिए ज़रूर क्रोकोमा लौंगा यूज़ करें। इसके साथ आप उस बीमारी की मेडिसिन भी लें, ये एक सपोर्टिव मेडिसिन जैसा यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। एक समस्या बहुत सारे लोगों को है, वो है एच पायलोरिक की प्रॉब्लम। एच पायलोरिक की प्रॉब्लम के कारण आईबीएस, गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेट संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप क्रोकोमा लौंगा लेते हैं और साथ में कुछ और मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि नक्स वोमिका पेट के लिए एक आम मेडिसिन है, उसके साथ आप क्रोकोमा लौंगा लीजिए, ये बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन खासकर कैनाडिडिया के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये स्किन इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्फ्लामेशन, कहीं पर सूजन आ जाती है, चाहे वो अंदरूनी सूजन हो, शरीर के अंदर इंटरनल इन्फ्लामेशन हो, या शरीर के बाहर इन्फ्लामेशन हो, कोई घाव हो गया हो, वहाँ पर सूजन हो, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो, इन्फ्लामेशन में आप क्रोकोमा लौंगा यूज़ करेंगे। साथ में आप सिम्टोमेटिक और कुछ मेडिसिन ज़रूर दीजिए, लेकिन ये एक सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे ज़रूर यूज़ करिए। इसको यूज़ करेंगे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिसीज़ है, जैसे कि एलर्जिक साइनोसाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, आप जो अस्थमा की मेडिसिन है, जो राइनाइटिस की मेडिसिन है और जो साइनोसाइटिस की मेडिसिन है, उसके साथ आप क्रोकोमा लौंगा दीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये एज अ सपोर्टिव मेडिसिन हर बीमारी में आप यूज़ कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि हल्दी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, फ़ायदेमंद ही है और फ़ायदा 100% होगा। आजकल मैं अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट को क्रोकोमा लौंगा मदर टिंचर एज अ सपोर्टिव मेडिसिन देने लगा हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लास्ट में अगर आप इसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, काले धब्बे हैं चेहरे पर, काले दाग हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है, और साथ ही साथ अगर किसी को पिंपल्स की भी प्रॉब्लम है, मतलब चेहरे संबंधित समस्याओं के लिए क्रोकोमा लौंगा मदर टिंचर आप लगा भी सकते हैं। ये थी बीमारियाँ और कंडीशंस, जिस बीमारियों में, जिस कंडीशंस में एज अ सपोर्टिव मेडिसिन आप क्रोकोमा लौंगा यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं कैसे आप इसे यूज़ करें और क्या है इसके डोजेस। क्रोकोमा लौंगा आप मदर टिंचर में यूज़ करें, पिक्चर आपको दिख ही रही है। क्रोकोमा लौंगा मदर टिंचर लगभग 10 से 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में आप डालें और इसे आप दिन में दो बार सुबह शाम पिएं। जब तक पिए, जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए। तो अगर एक्यूट प्रॉब्लम है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, अगर सब एक्यूट प्रॉब्लम है तो 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएगी, अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो लगभग 1 से 1.5 महीने में ठीक हो जाएगी। इस मेडिसिन के साथ आप कुछ और मेडिसिन ज़रूर लीजिएगा, ये एक सपोर्टिव अच्छी मेडिसिन है, तो ज़रूर यूज़ करिए। और सबसे लास्ट में लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। क्रोकोमा लौंगा मदर टिंचर थोड़े से पानी के साथ, लगभग मान लीजिए कि आधा चम्मच पानी में 20-25 बूंद डालिए और इसे चेहरे पर अच्छे से लगा लीजिए। थोड़ी देर तक लगे रहने दीजिए और उसके बाद धो लीजिए। लगभग 15 से 20 मिनट तक ज़रूर इसे लगाइएगा और इसे दिन में दो बार लगाइए सुबह शाम। इससे छाइयाँ, रिंकल्स, साथ ही साथ जो मेलाज्मा, कोलाज्मा, पिंपल्स की प्रॉब्लम है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। साथ में आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम और बाकी मेडिसिन जो कि इसके लिए है, होम्योपैथी में आपको पता ही है, तो वो मेडिसिन भी यूज़ करिएगा। तो ये थी क्रोकोमा लौंगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन
होम्योपैथी की, साथ ही साथ आयुर्वेद की और साथ ही साथ आपके घर की। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथी के रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।